वेरी नाइस वेरी नाइस। कलर कैसा आ रहा है? और तंजील भाई का कलर भी चेक करें कैसा आ रहा है, चिट्टा चिट्टा आन हो रही है। सब मिलकर अफ्तारी कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त होंगे खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और अभी जो है ना तंजील भाई किचन में मौजूद है। तंजील भाई बना रहे हैं चाइनीज़ राइस, चाइनीज़ राइस बना रहे हैं। माशाल्लाह चेक करें कलर कैसा आ रहा है, और तंजील भाई का कलर भी चेक करें कैसा आ रहा है। चाह रहा है चिट्टा चिट्टा आ रहा है बिल्कुल। चिकन डाल दिया है, बाकी सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं। अभी अंडे डालेंगे, उसको थोड़ा करेंगे रेडी, उसके बाद राइस डाल देंगे। जी शेफ साहब, राइस बॉईल करेंगे, ऐसे नहीं डालेंगे। राइस बॉईल करेंगे पहले, बॉईल करके फिर। सही है फ्रेंड, पहले जो है ना हम इफ्तारी में चिप्स बनाते थे, पकोड़े बनाते थे और फ्राइज़ वगैरह बनाते थे। तो ये चीज़ें खा खा के ना बहुत ऑयली चीज़ें होती हैं, हमको पता है, तो चेहरे पे भी दाने बन गए थे। इसलिए हमने डिसाइड किया कि आज कोई और रेसिपी ट्राई करते हैं। तो आज सिर्फ हम अफ्तारी में फ्रूट चाट बनाएंगे, और साथ मैंने आपको दिखाया पहले वीडियो में कि चाइनीज़ चल रहे हैं। जो राइस है ना वो तकरीबन बॉयल हो चुके हैं, और हमने इनको दम पे रखा हुआ है ताकि जो नीचे थोड़ा बहुत पानी हो अच्छे से ड्रेन हो जाए। हमारा नेक्स्ट प्रोसेस शुरू होने वाला है। अब हम चावलों को और ये वेजिटेबल और चिकन वगैरह सबको मिक्स कर देंगे, और उसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे चूल्हे पे अच्छी आंच पे। क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। फ्राइड राइस की लुक चेक करें, और अफ्तारी में तकरीबन 10 मिनट रहते हैं। सारे बंदे जो हैं तैयार होके बैठे हुए हैं, तंजील भाई, हैदर भाई, आबिद साहब। ये हमने रायता बनाया है, ये फ्रूट चाट है, आज लिमिटेड ही सामान बनाया है। हो रही है, सब मिलकर अफ्तारी कर रहे हैं। तो है ना अफ्तारी कर ली थी हमने, और आज मेरी सी छुट्टी, बाकी लोग जो सारे वो चले गए हैं ड्यूटी पे। और मैं ना अभी कॉफ़ी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, साथ मेरे तारिक भाई हैं। तो अभी हम जा रहे हैं कैफ़े पे, जाके पियेंगे कॉफ़ी, कॉफ़ी को करेंगे लाशी। जी राणा साहब, कॉफ़ी पीने जा रहे हैं भाई, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत दिन कर रहे हैं कॉफ़ी को। क्या बात है, माल लाशी करने जा रहे हैं, निकलते हैं अब कैफ़े के लिए। तो मैं ना फाइनली कैफ़े में पहुँच चुका हूँ, और मैंने अपने लिए जो है ना एस्प्रेसो ऑर्डर की है, और ये मैं ट्राई करने लगा हूँ अपनी एस्प्रेसो। एस्प्रेसो है जो रमज़ान ब्लेंड कॉफ़ी बीन्स की है, तो ट्राई करता हूँ एस्प्रेसो। वेरी नाइस वेरी नाइस। सो पीने के बाद मुझे फिर स्पेनिश पीने का भी मन था, इसलिए मैंने आबिद भाई को बोला कि मेरे लिए एक स्पेनिश भी रेडी कर दें। तो उन्होंने एक स्पेनिश भी बना दी, वो भी मैं पी चुका हूँ। और तारिक भाई हैं जो उन्होंने अभी तक अपनी स्पेनिश कॉफ़ी जो उन्होंने पी रहे हैं वो ही नहीं ख़त्म की। तो कॉफ़ी हमने पी ली, अभी हम जा रहे हैं लुल्लू। लुल्लू थोड़ा घूमे फिरेंगे, कोई चीज़ उधर से हमें आ गई पसंद तो उसको करेंगे बाय। तो हम आए थे लुल्लू मार्केट में, इधर एक वॉच थी जो ऑफ़र में लगी हुई थी, तो वो मैंने चेक की है, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं आई, इसलिए मैंने उसको बाय नहीं किया। तो बाकी जो मेरे पास हैंड फ्री भी थी, इसकी आईफोन की चार्जर वगैरह बाकी चीज़ें हैं, तो इसलिए कोई दूसरी चीज़ तो मैंने नहीं ख़रीदी। और जो ना आईफोन ऑफ़र में लगे हुए थे, दोस्त ने मुझे बताया था, तो उसको थोड़ी गलती लगी बताने में। वो कह रहा था कि आईफोन जो है ना 14 प्रो वो मिल रहा है 2900 का, उसने ऐसे बताया था। तो जब मैंने इधर आके चेक किया, आईफोन जस्ट 14 है, तो वो 2999 में मिल रहा है, 2999 में। तो ये वाला तो ये पहले की प्राइस है, कोई ऑफ़र प्राइस नहीं, तो उसके मैं वो देखने के लिए इधर आया हुआ था, लेकिन वो उसको थोड़ी कन्फ्यूज़न मिसअंडरस्टैंडिंग हुई देखने में, इसलिए उसने ऐसा बताया। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो पहले वाली प्राइस में मिल रहे हैं, तो इसलिए अभी हमारा कुछ मूड नहीं है लेने का। अगर डिस्काउंट भी मिल रहा होता तो शायद सोच लेते लेने के लिए। तो हम जो है ना घूम फिर के कॉफ़ी वगैरह पी के आ गए हैं वापस। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये आज का व्लॉग आया होगा पसंद। अगर व्लॉग आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मज़ीद ऐसी वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहें। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे आपकी खिदमत में बहुत जल्द एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।